स्वागत है आप लोगों का बीके सर ऑनलाइन क्लासेस में। पिछले कक्षाओं की भांति इस बार हम कक्षा 10 का पाठ 5 लेके आए हैं। चलिए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार बोर्ड परीक्षाओं में आते हैं। कुछ 10 प्रश्न हैं जिनका उत्तर हम यहां पर देखेंगे। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, किसकी महिमा सर्वत्र गाई गई है? तो महिमा की अगर बात होगी तो इस पाठ में सर्वत्र जो गाई गई है वह भारत की महिमा गाई है। तो भारत की महिमा सर्वत्र गाई गई है। दूसरा प्रश्न है, काति पुराणी पुराणानी संति। तो यह प्रश्न तो बहुत आसान है और सभी जानते हैं कि पुराणों की संख्या कितनी है। तो पुराणों की संख्या 18 है और यहाँ पर अष्टादश भी हो सकता है, इसलिए 18 या अष्टादश दोनों में से कोई ऑप्शन रहेगा तो आप उसमें टिक लगा सकते हैं। उसी तरह से तीसरा प्रश्न है कि के गीत गानी गारंटी, इस चैप्टर में जो है भारत महिमा में गीत का गान कौन करता है? तो इसका उत्तर सरल है, देवा। जो देवता लोग हैं वही गीत गाते हैं और भारत की महिमा का बखान करते हैं। इसी तरह से चौथा प्रश्न है, भारत महिमा पुराणों से कितने पद लिया गया है? तो पुराण से जो लिया गया है इसमें कुल 2 पद लिए गए हैं पुराण से, तो यहाँ उत्तर हो जाएगा 2। तो यह याद रखने का कोशिश करिएगा कि 2 पद पुराण से लिया गया है, बाकी दूसरे जगहों से लिया गया है। अब देखिए पांचवा प्रश्न है, भारत महिमा में कुल कितने पद हैं? तो भारत महिमा में कुल पदों की संख्या 5 है, जो कि जिसमें 2 दिया गया है पुराणों से और बाकी लिया गया है आपको महाभारत से भी। अब देखिए कि छठा प्रश्न है, भवंती पुरुषा सुरात्व अगर होगा तो यहाँ पर भरने के लिए दे दिया है फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं भूया, जो भूमि है वही जो है सभी चीजों को धारण करती है। सातवां प्रश्न है, भारत महिमा पुत्र गीयते, भारत महिमा पुत्र गीयते अगर होगा तो यहाँ पर हो जाएगा भारत महिमा पुत्र गीयते, तो यहाँ पर सर्वे यह भी हो सकता है सर्वे, क्योंकि सभी जगह भारत की महिमा का गान किया जाता है। कह रहा है आठवां प्रश्न, भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? तो भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं, यह ऑप्शन बेस्ट क्वेश्चन है। इसकी तीन तीन उत्तर सही हो सकता है। पहला तो होगा इसमें ईश्वर, अगर ईश्वर ऑप्शन है तो आप इसमें मार सकते हैं। दूसरा हो सकता है परमेश्वर और तीसरा हो सकता है हरि। अब ईश्वर के ही सारे रूप है इसीलिए कोई भी ऑप्शन हो तो आप इसमें मार सकते हैं। तीनों में से सिर्फ एक ही ऑप्शन रहेगा, इसीलिए आप गौर से देखिएगा जो ऑप्शन होगा उसी में मारिएगा। अब नौवां प्रश्न है, पुराना ग्रंथ से रचनाकार का, तो कौन रचनाकार है इस ग्रंथ के? तो यहाँ पर सिंपल सा होगा महर्षि व्यास, तो सिर्फ छोटा सा नाम याद रखिए व्यास। अब ये तो आप जानते होंगे महर्षि व्यास ने ही महाभारत की रचना की है, जिसका पुराना नाम जय संहिता, महाभारत का पुराना नाम जय संहिता, यह भी प्रश्न कई बार आ चुका है। अब दसवां और लास्ट प्रश्न, विभिन्न जाति के लोग कैसे रहते हैं? तो ये तो आप जानते हैं कि एक भाव या समान भाव से मिलकर सभी लोग इस भारत देश में रहते हैं। यह थे आपके पाठ 5 के महत्वपूर्ण 10 प्रश्न, जिनको बड़ा ही बारीकता से छांटा गया है, जो कि बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। अगर आप इनको देख लेते हैं या इनको रिविजन कर लेते हैं तो बोर्ड में पूरी मार्क्स आने की संभावनाएं बन जाती है। और कोशिश कीजिए कम से कम 5-6 बार वीडियो देखिए और उसको समझिए। अगर एक बार आप समझ लेते हैं तो आप अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं। इसी के साथ आप लोगों का पुनः फिर अगले दिन स्वागत होगा इस अगले पाठ को लेकर, पाठ 6 को लेकर। और कोशिश करिए वीडियो को शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भरपूर प्रयास कीजिए। धन्यवाद।